मैं छूट चुका हूँ सिंपलिसिटी पे, मतलब निकल अभी टाइम हो चुका है छूटने का, तो बाय द वे अभी ऊपर आ चुके हैं, देख सकते हो नज़ारा। मैं आपको बैक कैमरा से दिखाता हूँ, नज़ारा बहुत ज़्यादा मस्त लग रहा है भाई। ये देख सकते हो भाई, आज मौसम भी खुला खुला है और अच्छी खासी वाइब्स भी आ रही है। सो बाय द वे इतना अच्छा मौसम है और ऐसे मौसम में अभी घर पे जाना है, तो आज तो कहीं देखते हैं, कहीं मस्त घूमने चलते हैं भाई। और इस पेड़ पे ना पूरी लाइटें लगा रखी है यहाँ पे देखो, तो भाई ये रात को बहुत मस्त लगता है भाई। तो भाई गाइस फाइनली मेरे को आज सुबह में मॉर्निंग में मैसेज आया था कि पारुल यूनिवर्सिटी का जल्दी ओके मतलब इस हफ्ते में यहाँ पे कॉल आ जाएगा कि आपकी कॉलेज स्टार्ट हो चुकी है, तो आई थिंक इसी मंथ से हमारी कॉलेज स्टार्ट होगी। तो भाई बहुत ज़्यादा जाने वाले, मज़ा आने वाला है और फुल एंजॉय करने वाले कॉलेज में। सो भाई अल्लाह की नेक्स्ट लेवल के ब्लॉग आने वाले भाई लोग, तो जिस किसी ने लाइक नहीं किया लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो। तो आज के ब्लॉग को कंटिन्यू करते हैं अभी से, तो चलो स्टार्ट करते हैं। सुबह से ब्लॉग नहीं बना पा रहा था क्योंकि भाई हर बारिश चल रही थी और संतुष्टि में था, तो सोचा क्या ही बनाऊँ, तो मैंने ब्लॉग नहीं बनाया था। बट अभी मैं ब्लॉग को कंटिन्यू करने वाला हूँ और अभी ब्लॉग को बनाएंगे अपन लोगों के, तो चलो कंटिन्यू करते और देखते हैं। देखो अभी मम्मी पापा के साथ, मदर इंडिया और फादर इंडिया के साथ हम लोग पहुँच चुके हैं और ये मम्मी। सो गाइस अभी मम्मी मेरे साथ बैठ चुके हैं और अभी मैं और मम्मी जा रहे हैं, निकल गया अपन ओके। तो चलो गाइस चलते हैं, किंजू भी आ चुके, हम चार अभी जाएंगे, तो निकलते हैं घर पे और घर पे जाके रास्ते में मिलते हैं या फिर घर पे जाके मिलते हैं। चलो हे गाइस, सो फाइनली अभी रास्ते में रुक चुके हैं थोड़ी देर के लिए, और बाय द वे मेरे पीछे हाईवे है वडोदरा वाला पहली वाला, और यहाँ पे आगे खेत है देख सकते हो। तो अभी मम्मी पापा हम सब लोग चश्मे पहन के अभी जा रहे हैं घर पे, तो चलो घर पे जाके ब्लॉग बनाते हैं, कंटिन्यू करते हैं। फाइनली अभी घर पे आ चुके थे और यहाँ पे ब्लॉग कंटिन्यू कर रहा हूँ, अभी तो बाहर बैठा हुआ हूँ, अभी मस्त बादल हो रहे हैं और अच्छा मौसम। आज मौसम देख सकते हो भाई एकदम काले काले बादल मस्त आ रहे हैं, और यहाँ पे प्रणव भी देख सकते हो यहाँ पे। किधर जा रहा है तू? बाहर खेलने आना है तेरे को। गाइस क्रिकेट खेलने आ रहा है बाहर, सब लोग बच्चे अभी खेल रहे हैं ना, तो इसलिए बाय बाय। तो गाइस मैं यहाँ पे किधर बैठ के व्लॉग बना रहा हूँ देखो, और अभी तो भाई बरसात स्टार्ट हो चुकी है, बारिश, तो बारिश में भीग रहे हैं हम लोग यहाँ पर, तो चलो आयो। ये देखो रिया भी ऊपर चढ़ रही है गाइस। ए तू नीचे उतर जा, मैं नीचे उतर रहा हूँ, गिरेगी तू, हट गाइस। गाड़ी से यहाँ से नीचे उतर जाएंगे अपन लोग, क्योंकि भाई बहुत ऊंची थोड़ी सी दीवार है ना, इसलिए देखो गाड़ी पूरी हिल गई। रिया ये क्या हो गया? सो गाइस बहुत दिनों के बाद अभी टेरेस पे आया हूँ आज, और मौसम भाई चेक कर सकते हो पीछे का बहुत मस्त हो रहा है, तो थोड़ी देर यहाँ पे बैठते रेस्ट करते और मतलब मौसम को एंजॉय करते मेरे भाई। मैं बताना चाहता था आपको कि यार अपन लोग ने डेली ब्लॉगिंग स्टार्ट कर दी है ओके, अभी डेली ब्लॉग कंसिस्टेंसी के साथ डाल रहे, बट एक टाइम फिक्स नहीं हो रहा, तो मेरे को टाइम समझ नहीं आ रहा किस टाइम पर मैं ब्लॉग डालूँ, तो आप लोग कमेंट करके शायद बता सकते हो, तो प्लीज़ कमेंट करना कि कौन से टाइम पे आप लोगों को फ्री होते हो, कौन से टाइम पे आप ब्लॉग देख सकते हो मेरे ओके। तो अगर जितने भी मेरे सपोर्टर है जो मेरे सपोर्ट करना चाहते हैं, जितने भी लोग भाई लोग देख रहे हो, तो प्लीज़ कमेंट करना कि कौन से टाइमिंग पे ब्लॉग अपलोड करना चाहिए। तो आई थिंक मैं जहाँ तक सोच रहा हूँ ना, तो मॉर्निंग में तो इतना ज़्यादा मतलब मॉर्निंग में थोड़ा टफ पड़ेगा, तो आई थिंक रात को मतलब 7 या 8 बजे तक तो चलेगा ना, तो आप लोग कमेंट करके बताना कि सही है या नहीं ओके। और यार एक गुड न्यूज़ है भाई, फाइनली आज पारुल यूनिवर्सिटी में से मैसेज आया था कि आपका एडमिशन का मतलब जो कॉलेज स्टार्ट होने वाला है ना, उसके लिए जल्दी कॉल आने वाला है इस हफ्ते या फिर इस सेकेंड वीक से या फिर महीने के एंडिंग तक अपनी कॉलेज स्टार्ट होने वाली है मेरे भाई लोग। तो लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना, शेयर कर देना एंड सब्सक्राइब तो कर ही देना भाई, आने वाले कॉलेज ब्लॉग जो अपने पारुल यूनिवर्सिटी होने वाले ना, नेक्स्ट लेवल होने वाले, और आप लोगों को लिटरली मज़ा आने वाला है भाई लोग ओके। तो भाई देखो अभी मौसम को एंजॉय कर रहे हैं, तो चलो करते हैं। यार अभी तो इतने काले काले बादल मस्त आ रहे हैं ना गाइस, और कुकर की सीटियाँ भी बज रही है वहाँ पे। तो सो अभी मैं बाजू मतलब यहाँ पे इस टेरेस पे आया है, और गाइस मैं आपको बता दूँ ये जो घर है ना, ये पूरा
मतलब अभी कोई नहीं इस घर पे रहता नहीं है, बट इस घर में दो अंकल आंटी जो थे ना वो दोनों साथ में मरे थे इस घर के नीचे। तो अभी मैं जस्ट इस घर के ऊपर खड़ा हूँ, मैं वहाँ से अपने मतलब पूरा चल के यहाँ से पूरा से ना वहाँ से लेके यहाँ पे आया हूँ खुद के, क्योंकि भाई यहाँ पे व्लॉग भी अच्छा बना पा रहा हूँ और व्यू भी अच्छा आ रहा है। गाइस मेरे चाचू ने धनिया किस तरीके से यहाँ पे उगाए देख सकते हो के, धनिए को किस तरीके से यहाँ पे किया गया है मस्त वाला, मतलब इस क्या बोलूँ मैं समझ नहीं आ रहा, बट हाँ आप समझ जाना। और यहाँ पे पूरी वेल है, ये पूरी देख सकते हो, ये सब मस्त वाला है भाई। और नीचे का सीन ये है, और भाई यहाँ पे ना सांप बाप कुछ भी हो सकता है, तो वो थोड़ा रिस्की है इधर आना। ओके लिटरली हम जब छोटे थे ना तब इस घर में मैडम मैडम घर घर जो छोटे बच्चे खेलते हैं ना उस तरीके के गेम्स खेलते रहते थे, और इतना ज़्यादा मज़ा आता था। और ये टेरेस तो भाई अपने ही जान रहती थी, मतलब इस टेरेस पे ना हमने बहुत ज़्यादा इंजॉय किया है, मैगी वैगी बनाया हुआ है और बहुत बड़ी पार्टियाँ की हुई है यहाँ पे। तो चलो चलते हैं, रिया आ चुकी है भाई वापस। हेलो गाइस, अरे उन्हें गाइस ने ब्लॉग बनाने आया हूँ मैं। चलो हेलो गाइस कर दो। हेलो गाइस, Hey guys, welcome back my new vlog. नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं एक और न्यू ब्लॉग में। सो फाइनली अभी उठ चुके हैं, रेडी हो चुके हैं, और बारिश अभी नहीं हो रही है, बारिश का मौसम तो चल रहा है भाई। तो देखाता हूँ बाहर का मौसम, चेकआउट नाउ। बाहर का मौसम आज कुछ इस तरीके का ठंडा ठंडा सा है ही। और गाइस सो फाइनली अभी निकल चुके हैं अपन लोग संतुष्टि जाने के लिए, और मेरे साथ है मम्मी, बिकॉज किंजू और पप्पा दोनों साथ में आ रहे हैं, बट पीछे पप्पा आ रहे हैं अभी, तो अभी हम लोग आगे में आके यहाँ पे वेट कर रहे हैं थोड़ी देर के लिए, तो फिर साथ में ही चलेंगे। वैसे मेरे को पेट्रोल भी डलवाना होगा क्योंकि पेट्रोल भी बहुत कम हो गया है। तो चलो कंटिन्यू करते हैं ब्लॉग को, बने रहिए एंड तक मिलते हैं। आज मौसम बेमान है, बड़ा बेमान है, ऐसे ही आता है ना गाइस। सो छोड़ो, नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं एक और न्यू ब्लॉग में। और आज एकदम स्फूर्ति के साथ ब्लॉग को कंटिन्यू करते रहे, मतलब स्टार्ट करते हुए। सो गाइस आज का मौसम भाई इतना मस्त हो रहा है बाहर का, और ऐसे मौसम में मेरे को ब्लॉग बनाने का भी इतना मतलब इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा है ना, मैं मतलब बता नहीं सकता आप लोगों को यार। तो फाइनली अभी संतुष्टि में आ चुके हैं और ब्लॉग को कंटिन्यू करते हुए। और गाइस अभी 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 बाहर बारिश आने वाली है, इसलिए अभी अभी भी। सो बाय द वे बाहर का मौसम भी चेकआउट कर सकते हो, बहुत ज़्यादा मस्त मौसम होता हुआ है गाइस। हमारी जिंदगी में बहुत बड़ी कठिनाइयां आने वाली है, मैं क्या बोल रहा हूँ मैं खुद समझ नहीं आ रहा, मतलब कि यार गाइस कॉलेज जब स्टार्ट होगी तब हमारी जिंदगी में जो शांति नाम की जो खुशी है ना भाई, जो चैन नाम का खुश है, वो सारा जाने वाला है दुख दर्द। ओके बहुत ज़्यादा दुख पीड़ा आने वाली है, तो आप लोग देखते रहे ना, और अपनी लाइफ को मैं दिखाने वाला हूँ आप लोगों को। सो प्लीज़ सपोर्ट करते रहना ऐसे ही, और लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और अच्छा लगे तो कमेंट भी कर सकते हो, वो आपकी मर्ज़ी। उस डे में अभी माता जी का जो मंदिर का हार है ना वो इतना मस्त दे रहे हैं ना ये लोग, ये देख सकते हो एकदम मस्त फूल है, और ये फूल लिटरली बहुत ज़्यादा मस्त लगते हैं, पूरे दिन हार एकदम पॉजिटिव फील देता है। ओके तो आप में से काफ़ी लोग सोचते होंगे कि बंदा एक ही टी शर्ट में जब चाहे ब्लॉग बनाता रहता है, तो गाइस मैं बता दूँ ये जो टी शर्ट है वो मेरी सबसे ज़्यादा फेवरेट है, और भाई मेरे को जब भी व्लॉग बनाना होता है मेरे को इसमें बहुत ज़्यादा मज़ा आता है व्लॉग बनाने का, इसलिए मैं इस टी शर्ट को पहन के व्लॉगिंग करता हूँ, और बस ऐसा ही सीन समझो। और चलो व्लॉग को कंटिन्यू करते हैं और देखते रहते हैं।